सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम खेल रहे हैं पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, जिधर पिछली बार हमने ब्रॉक को हरा के हमारा फर्स्ट बैच जीता था, जो कि था रॉक बैच। तो अभी हमको जाना है वाटर बैच जीतने के लिए, लेकिन उससे पहले हमको जाना होगा एम्प्टी मून के अंदर। पहले तो मैं इनको हरा दूं भाई, बिकॉज मुझे थोड़ा एच पी चाहिए भाई, जिससे मैं पीजी को इवॉल्व कर सकूँ। और इधर मैंने सोबेल को भेजा है, और इधर कैटर भी तो गया आराम से। चलो बाय बाय टट्टा। तो गाइस, मैंने जल्दी से इसको हरा देता हूँ। तो फाइनली ये हार चुका है, हमारा सोवेल लेवल 16 का हो चुका है। तो चलो, अरे भाई सोवेल इवॉल्व हो रहा है भाई, क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा नहीं था भाई इतनी जल्दी इवॉल्व हो जाएगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था। और ये फाइनली हमारा सोवेल इवॉल्व होके बन चुका है। क्या बना भाई, इसका नाम क्या है? सोवेल। तो डीजल बन चुका है भाई, फाइनली हमारा सोवेल इवॉल्व होकर डीजल बन चुका है। तो इधर हम पोकेमोन सेंटर में आ चुके हैं अपने पोकेमोन हील करवाने के लिए। और इधर मैं फिर से आ चुका हूँ। तो अभी हमको जाना है इधर से, सिर्फ पत्थर के अंदर कोई आइटम हो सकता है, चलो देखते हैं। तो हमको इधर दो नेस्ट बॉल मिले, जो अच्छी बात है भाई। और अभी मैं इसको भी हरा देता हूँ गाइस। चलो, तो ये तो हार चुका है हमारा, हमसे भाई बहुत लूट रहा था। तो अभी हम इसको भी हराने वाले हैं। चलो चलो भाई। तो भाई ये भी हार चुका है। तो मेरे पास ना एक टीएम कैश है, जो कि मेरे को ब्रॉक ने दिया था। तो मैं सोच रहा हूँ वो मैं अपने व्यू पे, मतलब व्यू का लगा दो भाई। मेरे के पास बस एक ही मूव है, जो कि है मेगा मंच, और बाकी सब तो बेकार है। चलो बस व्यू का हम सिखा देते इसको, ए मतलब इसका नाम क्या था भाई, रॉक थोम या जो भी था इसका नाम। तो मैंने इसको सिखा देता हूँ सेफ गार्ड हटा देता हूँ भाई, सेफ गार्ड से मैं करूँ भी क्या। तो मैंने इसको, मतलब मैंने म्यू को इधर रॉक थोम सिखा दिया है गाइस, मतलब अभी तक नहीं सिखाया, अभी सिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे को जाना है पोकेमोन सेंटर, बिकॉज हमारे पोकेमोन को हील भी कराना है, फिर हमको आगे बढ़ना है। तो मैं इधर पोकेमोन सेंटर से आ चुका हूँ, और मैं इसको भी अभी जल्दी से हरा देता हूँ गाइस। तो ये तो गाइस हार चुका है, अभी मैं फिर से पोकेमोन सेंटर जा रहा हूँ, और मैं फिर से आ चुका हूँ। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है भाई, मतलब एक बार करके ये आ रहे हैं और मैं एक बार करके जा रहा हूँ। और पीजी भाई पता नहीं क्यों इवॉल्व भी नहीं हो रहा है, 17 लेवल का हो चुका है फिर भी इवॉल्व नहीं हो रहा है। इधर सोवेल भी इवॉल्व हो चुका है, लेकिन इसको नहीं इवॉल्व होना भाई, इसको पकड़ के मारो भाई मारो। मतलब क्या भाई, कब से मैं कोशिश करूँ इसको इवॉल्व करने के, लेकिन इसको इवॉल्व होना ही नहीं है। लेकिन चलो क्या ही कर सकते हैं, फिर भी लगता है मेरे को एक और मैच खेलनी पड़ेगी इसको इवॉल्व करने के लिए। वैसे तो मुझे नहीं खेलनी है भाई, मुझे खेलने की कोई मन ही नहीं कर रहा, मैं थक चुका हूँ इनको हराते हराते भाई। और यार भाई मेरे को तेरे नहीं बैठ करना यार, छोड़ दे मेरे को, मैं नहीं बैठ करूँगा भाई, अभी इसको भी हराना पड़ेगा यार, क्या झमेला हो चुका है भाई। चलो एक तो अच्छी बात है, इसके पास एक ही पोकेमोन है, चल मैं रॉक थॉम से इसको हरा दे। चलो अच्छा खासा डैमेज भी मिल रहा है इसको, तो मैं इसको जल्दी से हरा देता हूँ गाइस। और आई थिंक पीजी इवॉल्व हो जाएगा इस बार। ए यार इसने तो डिजेबल कर दिया, चलो रॉक थॉम से इसको हरा देते हैं। यार ये मर क्यों नहीं रही है भाई, इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई? तो भाई मतलब भाई यार ये भाई जिगली बॉब बस गाना देती है और सुना देती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई? तेरा गाना किसी को सुनना नहीं है मेरे को, मतलब मेरे को नहीं किसी को नहीं सुनना। चल डीजल तू तो कुछ कर ले, डीजल वाटरफॉल से इसको हरा दे। और ये गया फाइनली गाइस, न्यू पिकाचू पीजी। अरे यार पीजी को लेवल अप नहीं हुआ यार, इस पीजी की प्रॉब्लम क्या है भाई? डीजल लेवल इस तरह की होता है, लेकिन ये पीजी नहीं हो रहा है भाई, इस पीजी को पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है। वैसे इधर एक स्पेरो है, स्पेरो को पकड़ लिया, छोड़ो यार करके क्या ही करूँगा। चलो भाई अभी मैं इनको भी हराना पड़ेगा। चलो तो मैं ना इसको फिर से हरा, मतलब इसको हरा देता हूँ। चल आ जा तू भी फाइट कर ली ले भाई, क्या भाई आ जा भाई फाइट कर ले भाई। इसके पास चार चार पोकेमोन है यार, इसको हराने में बहुत टाइम लगने वाला है। चलो तो एक बार में ही ख़त्म हो गया। और इधर फाइनली पीजी लेवल 18 का हो चुकी है, और इधर फाइनली ये हार चुका है भाई, बहुत देर से हरा रहा हूँ। और इधर फाइनली इतनी देर बाद पीजी इवॉल्व हो रही है, और ये पीजी इवॉल्व हो रही है फाइनली इतनी देर बाद।
और ये फाइनली हो चुकी है हमारा पीजीओटो। फाइनली हमारे पास आ चुका है एक पीजीओटो। सो गाइस मेरे को ना एक बटरफ्ली चाहिए, इसलिए मैं अभी जाऊंगा कैटरपी को पकड़ने के लिए। गाइस आप लोग सोच रहे हो भाई मैं इतनी देर बाद क्यों कैटरपी को पकड़ रहा हूँ, मतलब मैं तो पिछले एपिसोड में भी पकड़ सकता था, लेकिन भाई मुझे अभी पकड़ना है इसलिए मैं अभी पकड़ रहा हूँ और मुझे इसको बटरफ्ली में बदलना है, समझा क्या भाई। तो भाई मैंने इसे फाइनली पकड़ लिया है और मैं ना सोच रहा हूँ मतलब इस गेम में जितने भी पोकेमोन है मैं सबको पकड़ूंगा भाई, एक एक करके सबको पकड़ूंगा। सच्ची बता रहा हूँ भाई सबको, भाई एक एक करके सबको पकड़ूंगा। तारा भाई पोके वर्ल्ड ही किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको पकड़ लेगा। कानून के हाथ से भी आप उनका हाथ ज़्यादा बड़ा है, समझा क्या। तो अभी मैं इस मोदरमा को हराने वाला हूँ, तो मैं ना इसको जल्दी से हरा देता हूँ। इसके पास नीदोरेन एम है, इसका मतलब इसका दूसरा पोकेमोन होगा नीदोराइन एच, मतलब फीमेल वाला जो भी है। तो मैं ना इसको जल्दी से हरा देता हूँ गाइस। तो ये तो हार चुके हैं गाइस और अभी हम इधर से निकलते हैं। तो भाई इधर पत्थर है कुछ आइटम में, नहीं यार इसके अंदर कोई आइटम ही नहीं है। ये क्या फाइट करेगा, क्या है फाइट करेगा, चला जा। तो भाई इधर एक है ना स्पीरो है, ऐसे मैं चाहूँ तो इनको पकड़ भी सकता हूँ, लेकिन छोड़ो यार बाद में पकूँगा। तो मैं इधर से निकलता हूँ और इधर कुछ है क्या, नहीं है। तो इधर पोकेमोन सेंटर है, तो मैं पोकेमोन सेंटर में सबसे पहले जाता हूँ और इधर अपने पोकेमोन को हील करवाता हूँ और उसके बाद हम निकलेंगे एम्प्टी मून, मतलब निकलेंगे मतलब जाएंगे एम्प्टी मून के अंदर। तो हम इधर से निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे एम्प्टी मून के अंदर। तो ये अंकल पता नहीं क्या बोल रहे, चलो बोल रहे हेलो हेलो, तो कुछ तो बोल रहे। तो गाइस ये ना हमारे पोकेमोन का मतलब नाम रखना चाहते हैं, लेकिन हमको नहीं रखना भाई, हमारे पोकेमोन का हम क्यों ही नाम दे। निकलो इधर से भाई। तो हम इधर से निकल रहे हैं, तो इधर ना हम एम्प्टी मून के अंदर आ चुके फाइनली और इधर भी एक ट्रेनर है, चलो इसको भी हरा ही देते हैं फिर से, मतलब फिर से यार। तो भाई ये तो हार चुके हैं और इधर हमारे कैटर भी इवॉल्व हो रही है भाई, मतलब अभी अभी तो पकड़ा भाई और अभी अभी इवॉल्व हो रही है। चलो वैसे तो कैटर भी बहुत जल्दी बोला था, ये तो मेरे को पहले से पता था। तो इधर ये बन चुका है मेटापॉट या जो भी कहते हैं इसका नाम, जो भी हो वैसे ये तो हार चुके हैं भाई। और अभी इधर से हम निकलते हैं और इधर ये अंकल भी फाइट करते हैं क्या, लेकिन प्रोफेसर लगता है मेरे को, चलो इसे भी फाइट करते हैं। और ये प्रोफेसर भी हार चुका है भाई और इधर बक्का चला है, लेकिन मेरे को उसके नहीं फाइट, मतलब मुझे फाइट नहीं करना। तो इधर हमको एक पोशन मिला, चलो भाई पोकेबॉल के अंदर पोशन मिल चुका है हमको। और इधर एक और पोकेबॉल है गाइस, तब लिटरली एक ही जगह में दो दो पोकेबॉल। और इधर हमको रेयर कैंडी मिली भाई, वाह क्या सीन है, मतलब रेयर कैंडी तो ऐसे नहीं मिलते लेकिन फिर भी हमको इधर एक और पोकेबॉल है भाई। चलो इधर भी हमको बहुत सारे पोकेबॉल मिल चुके हैं। इधर हमको मिला एक स्किप रॉप रूप या जो भी कहते हैं इसको भाई, स्किप रॉप रूप, अरे यार जो भी है। तो इधर ये अंकल भी फाइट करते हैं शायद, नहीं यार ये तो नहीं फाइट कर रहे, चलो ये पता नहीं क्या बोल रहे। तो इधर से निकलते हैं और इधर एक और ट्रेनर है, चलो इसको भी, नहीं यार मेरे को फाइट नहीं करना, अरे यार। तो गाइस मैंने इधर से अभी एक दौर से निकल जाऊंगा, अरे यार इसने मेरे को पकड़ लिया, चलो इसको भी हरा ही देते हैं जल्दी से भाई, इतनी बोर क्यों कर, मतलब पता नहीं। चलो ये तो हार चुका और ये हमारा मेटापॉट इज इवॉल्विंग, और भाई इतनी जल्दी हमारा मेटापॉट इवॉल्व हो रहा है। और इसी के साथ भाई हमारा मेटापॉट बन चुका है बटर फ्री फाइनली, भाई इतनी जल्दी हो गया भाई, चलो अच्छी बात। तो भाई मुझे बटर भी पसंद है यार। और इधर एक और ट्रेनर को मैं अभी हराने वाला हूँ और इधर हमारा म्यूज सो चुका है भाई, यार ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं यार, मतलब सो जाते हैं फाइट करते करते, कौन सोता है भाई, वाटर गन से मार रहा है मेरे को यार। तो इधर म्यू उठ चुका और इसी के साथ रॉथरूम का इस्तेमाल किया भाई, चलो अभी इसका नाम क्या था भाई, स्पाइडक है म्यू, तो अभी इसका हराने वाला है। वैसे मुझे भी एक स्पाइडक पकड़ना चाहिए बिकॉज मेरे को इधर मतलब इस गेम के जितने सारे पोकेमोन है मैं सबको पकड़ूंगा, तो मेरे को एक स्पाइडक भी पकड़ना ही चाहिए भाई। तो अभी ये तो हार चुका है गाइस, तो मैं ना इसको जल्दी से हरा देता हूँ और फाइनली ये हार चुका है भाई। और अभी भाई हमारे बहुत सारे मतलब एक ही पोकेमोन मतलब सारे के सारे पोकेमोन फेंट हो चुके भाई, मुझे अभी जितनी जल्दी हो सके पोकेमोन सेंटर जाना चाहिए
और इधर हमको एक मून स्टोन मिल चुका है भाई, मतलब एम्प्टी मून के अंदर मून स्टोन मिल चुका है। चलो वैसे तो मुझे जाना चाहिए क्या कहते हैं इसको पोकेमोन सेंटर, लेकिन मैं इधर देख लेता हूँ इधर क्या है। और वो इधर तो एक ऑनिक्स भी और इधर एक ट्रेनर भी है, ऑनिक्स को पकड़ना। अरे मेरे को पहले जाना होगा पोकेमोन सेंटर, तो मैं अभी इधर पोकेमोन सेंटर से आ चुका हूँ। इधर मेरे को एक पैरालाइज हिल मिल चुका है और जो कि मैंने नोटिस नहीं किया था जो कि इधर था, तो मैं ना अभी। अरे भाई इधर एक और पोकेबॉल है भाई, ऐसे तो मुझे जाना चाहिए मतलब उधर ऑनिक्स को पकड़ने के लिए। इधर हमको एक TM9 मिल चुका है, तो मैं ना इधर जल्दी से जाता हूँ उस जगह पर। पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा बिकॉज मैं भूल चुका हूँ वो किधर था। यार चलो भाई इधर से निकलते हैं। वैसे मैं गया किधर था मैं भूल चुका भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, पता नहीं यार किधर गया था मैं, वो भी भूल चुका हूँ। इधर कुछ नहीं है, शायद नीचे से गया था, मेरे को जहाँ तक याद है ऊपर नहीं इस साइड गया था क्या यार, मतलब इतनी सी जगह में मैं भूल कैसे रह सकता हूँ भाई, मतलब क्या ही गजब भाई, इतनी सी जगह में मैं भूल चुका है किधर जाना है भाई, क्या हो रहा है यार। इधर कुछ नहीं है, आई थिंक ऊपर से एक रास्ता था, अरे इधर नीचे के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है। इधर पैरे से बहुत सारे पैरे से जो भी इसका नाम पता नहीं क्या है। चलो इधर से निकलते हैं। वैसे तो मैं इधर नहीं आया था लेकिन फिर भी जा रहा हूँ। और इधर टीम रॉकेट का मेंबर, चलो भाई अभी इसको भी हम हराते हैं जल्दी से। इसके पास तीन पोकेमोन है, इसने सबसे पहले ये सैन नाम मतलब सैन रे या जो भी इसका नाम है, तो हमने इसको जल्दी से हरा देते हैं हमारा मेगा पंच से। तो भाई मेगा पंच, अरे यार ये मरता क्यों नहीं, चलो ये तो गया काम से। अभी इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन है, अरे यार डीजल कुछ सीख रहा है ना मूव ओच स्वीट नाम का, ठीक है हमको नहीं सीखाना बिकॉज ये बेकार मूव लग रहा है, कोई पावर कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसको नहीं सीखा बिकॉज ये बेकार मूव लगता है मेरे को। चलो अभी ये मैंने पता नहीं यार किसको भेज रहा है, ओ अच्छा तो इसने जुबेर को भेजा है, और ये तो भाई गया काम से भाई, अरे यार और इसी के साथ जुबेर भी गया काम से। अभी इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन है, रटाटा, चलो रटाटा को मेगा पंच से मारेगा तारा भाई, और भाई रटाटा ने हाइपर फेंस और ये रटाटा तो गया काम से। और म्यू हो चुका है लेवल 20 का और इसने नया मूव सीख रहा है भाई जिसका नाम मेट्रो में जो भी है इसका नाम, तो मैंने इसको रॉक ट्रैप से भाई हटा दिया और इसका दिया। और पिकाचू भी लेवल 18 का हो चुका, डबल बीम डबल टीम सीख रहा है लेकिन मेरे को नहीं सिखा रहा बिकॉज ये बेकार है। तो अभी तो भाई टीम रॉकेट का ये मेंबर हार चुका है। इधर कुछ है और इधर वैसे पोकेबॉल है जिसका जिधर हमको मिला स्टार पीस। चलो अभी हम इधर से निकलते हैं जल्दी से। और मेरे को अभी याद आ रहा है भाई हमारा जो रास्ता था वो ऊपर की तरफ था भाई, मुझे अभी याद आ रहा है भाई। चलो अभी हम इधर से जाते हैं। चलो भाई पहले तो पोकेमोन सेंटर जाना है मेरे को, पोकेमोन सेंटर छोड़ो यार नहीं जाएगा तारा भाई। तो इधर मैं देख रहा हूँ कोई पोकेबॉल वगैरह कुछ छूट गया क्या, नहीं यार मैंने सोचा इधर और दो तीन पोकेबॉल मिल जाएंगे शायद लेकिन नहीं मिले। चलो अभी इधर से हम निकलते हैं भाई। और ना जियोडूड बकेरा है लेकिन मेरे को नहीं पकड़ना बिकॉज जियोडूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मैं ऑनिक्स को तो ज़रूर पकड़ूंगा भाई। पहले तो मैं इसको हराता हूँ भाई, रुको जरा, तो इसको मैं अभी हराऊंगा। और ये अभी जियोडूड को भेजा मैंने, म्यू को भेजा, इसको तो भाई डीजल ही हरा दूंगा। तो भाई ये तो हार चुका और अभी हम पकड़ेंगे ऑनिक्स को भाई। और इधर मैंने फाइनली इसको पकड़ लिया है और अभी हम जा रहे हैं पोकेमोन सेंटर बिकॉज भाई हमारे म्यू की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए अभी हम जाएंगे पोकेमोन सेंटर। तो अभी हम फाइनली जाएंगे पोकेमोन सेंटर के अंदर। और तो गाइस मैंने पोकेमोन सेंटर से आ चुका हूँ और इधर एक जुबेट भी है, तो मैं ना जुबेट को भी पकड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं ना बटरफ्ली को सामने रखता हूँ और जितनी जल्दी हो सके मैं जुबेट को पकड़ लेता हूँ। तो गाइस मैंने इधर एक जुबेट को भी पकड़ लिया है और इधर बहुत सारे पेरेस है, तो मैं सोच रहा हूँ एक पेरेस भी पकड़ लेता हूँ। चलो गाइस मतलब आज बहुत सारे पोकेमोन पकड़ना है तारा भाई को,
भाई सब पोकेमोन पकड़ेगा तारा भाई एक एक करके, इसलिए अभी हम पैरिस को भी पकड़ेंगे, सुला सुला के पकड़ेंगे भाई, नींद में सुला के कंफ्यूज करके पकड़ेंगे, कंफ्यूज मतलब गजब। तो अभी मैं पोकेमोन फेंकने वाला हूँ और ये पकड़ लिया हमने, तो अभी हम इधर से जाएंगे आगे। भाई मैंने इधर पैरिस को पकड़ लिया है जो कि हमारे पीसी में चला गया है, और इधर ये कुछ कर रहे हैं। ओ अच्छा, तो ये हमको हमारे पोकेमोन हील कर रहे हैं भाई सुला सुला के। तो इधर भी बहुत सारे पोकेमोन्स हैं और इधर एक अंडे वाला पोकेमोन भी है यार। तो आप लोग सोच रहे हो मैंने इसको मार क्यों दिया, बिकॉज भाई मैं आधे घंटे से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भाई पोकेमोन फेंक रहा हूँ, ये पोकेमोन टूट जा रहा है भाई, मेरे बहुत सारे पोकेमोन भी वेस्ट हो गए इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसको मतलब फेंक कर दिया, इसलिए मेरे को इसको नहीं चाहिए भाई। मैं अभी इधर से निकलने वाला हूँ, मेरे को कोई पोकेमोन मतलब पोकेमोन नहीं चाहिए। और इधर भाई टीम रॉकेट जा रहा है, तो इसको भी हरा देते हैं हम। तो ये हार चुके हैं गाइस, और अभी मैं ना मतलब वो आंटी से रेस्ट करके मतलब हील करके आता हूँ भाई, यही आंटी से। तो इन्होंने हमको हील कर दिया, मतलब हमको सुला दिया और हमारे हील हो चुके पोकेमोन, मतलब पता नहीं कौन सी लॉजिक है इसमें। और इधर कुछ है, अरे भाई इधर भी एक पोकेबॉल है जिधर हमको मिला है रिवाइव, और अभी हम इधर से निकल रहे हैं। तो भाई इधर हमको भाई जल्दी से निकलना है इस जगह से भाई, मेरे को नहीं रहना भाई। तो इधर भाई बहुत सारे जुबेट्स है, पैरिस भी है, जोडूट भी है, और पता नहीं क्या क्या पोकेमोन है इसका नाम है मैं मतलब। और इधर एक टीम रॉकेट एजेंट है, तो इसको भी हमें हरा देता हूँ। तो इधर मैं इसको जल्दी से हरा देता हूँ, इसके बाद से रेटैक्ट इसको मैंने सुला दिया, और अभी मैं इसको सुला सुला के कन्फ्यूज कर दूँगा। चलो भाई ये मैंने इसको फिर से कन्फ्यूज कर दिया, और इधर तो यार ये कन्फ्यूज होकर भी अटैक कैसे कर रहा है। चलो भाई ये तो कन्फ्यूज होकर फेंट हो गया, तो अभी ये किसको भेजने वाली है यार, मतलब किसको भेजेगा यही, फिर मैं जूबेट को भेजेगा। तो मैं इधर पिकाचू को मतलब पिकाचू को बाहर बुलाता हूँ, और इधर मैंने ठंडा शॉट इस्तेमाल किया लेकिन ये नहीं फेंट हुआ। और इधर मैंने एक बार फिर, अरे यार ये भाई हील कर रहा है, तो चीटिंग कर रहा है भाई। तो भाई ये फाइनली हार चुका है इसका जूबेट, और ये खुद भी हार चुका है। और अभी हम इधर से निकल, अच्छा तो इधर हमारे पिजियोडो ट्विस्टर सीख रहे हैं, तो मैं ना इधर वाइल्ड मतलब जो भी इसका नाम है मैं हटा देता हूँ, मैंने इसको ट्विस्टर सिखा लिया, और ऑनेस्ट लेवल 14 का हो चुका है। और अभी इधर से हम जाएंगे, तो भाई इधर कुछ नहीं है, और इधर हम जाएंगे अभी। अरे यार अभी फिर से इसके साथ भी लड़ने मिल गया क्या, चलो इसको भी हरा ही देते हैं जल्दी से। इसके पास है, इसका नाम क्या है भाई, ग्रीन आर या जो भी है इसके पोकेमोन, मतलब गंदगी मतलब कीचड़ वाला पोकेमोन है ये भाई, बहुत बदबू आती है इसकी, मतलब इसको भाई हम नहला के मारेंगे भाई, डीजल से इसको नहला देंगे हम। चलो इधर पिजियोडो को भेजता हूँ, बिकॉज डीजल पॉइजन है पॉइजन, तो भाई पिजियोडो से मारेंगे हम, मतलब हराएंगे इसको। तो मैंने कहा इसको जल्दी से हरा ही देता हूँ भाई। मैं इधर म्यू को भेज रहा हूँ, बिकॉज म्यू इज़ बहुत पावरफुल, तो मैं इधर मेगा पंच का इस्तेमाल करूँगा, और ये नहीं मरा, मैं फिर से करूँगा, और इस बार ये हार चुका है। और अभी ये किसको भेजने वाला है, भाई हार गया भाई, नहीं अभी इसके पास एक और पोकेमोन है भाई। ये कौन सा पोकेमोन है भाई, ये क्या पोकेमोन है भाई, ये क्या बवासीर है भाई, ये पता नहीं कौन सा बवासीर है, क्या बवासीर है यार, कैसा पोकेमोन है। चलो इसको भी हरा ही देते हैं भाई। अरे यार हमारा म्यू तो कंफ्यूज हो गया भाई, तो भाई अरे यार हमारा म्यू तो कंफ्यूज हो गया, खुद को खुद ही मार रहा है। तो अभी हम इधर रीजल को भेजते हैं, मतलब रीजल या जो भी इसका नाम है भाई को भेजते हैं, और वाटर बॉल से मारेंगे हम। अरे यार इसके भाई स्पाइन से, अरे यार हमारे रीजल को हार चुके हैं, तो मैंने पिकाचू को भेजा, अरे तो मैंने इधर डबल की के इस्तेमाल की, और ये हार ही नहीं वाला है भाई। अरे भाई पता नहीं कैसा कैसा अटैक यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं बवासीर क्या क्या कर रहे हैं, और फाइनली ये बवासीर हार चुका है, बवासीर कहीं का, तो ये बवासीर तो हार चुका है। इधर दो दो फॉसिल है शायद, दे दो नो, मतलब ये डू यू वांट द हिलिक्स फॉसिल, नो ये पता नहीं, अरे यार इधर तो कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा मैं ना हिलिक्स को ही ले लेता हूँ, मतलब हिलिक्स फॉसिल पता नहीं क्या है, लेकिन मैं ले ही लेता हूँ इसको ही। तो इधर हमको एक हिलिक्स नाम का कोई फॉसिल मिल चुका है, और अरे यार ये भी एक फॉसिल ले रहा है। चलो तो अभी हम इधर से निकलते हैं,
और इधर बाहर जाने का रास्ता फाइनली। और इधर एक पोकेबॉल भी है, इधर हमको मिला एक एंटीडोट जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी हम इधर से निकलेंगे और इधर फाइनली, अरे यार पहले से निकलना रे तो जा रहे। और इधर हम फाइनली एम्प्टी मून से बाहर आ चुके हैं गाइस फाइनली। और भाई बहुत देर हो चुकी है भाई बाहर की दुनिया देखने। क्या भाई ये कुछ ये हमको देखा क्या? अरे यार ये तो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई। निकल भाई हमको सिखा रही है भाई, प्रॉब्लम क्या है? निकल हमको सिखा रही है भाई, चल निकल इधर से भाई। मैंने सोचा भाई पोकेमोन दे रहा है शायद, तो मैं ना इधर हील करके आता हूँ। तो अभी मैं फिर से जाने वाला हूँ उस जगह पर। तो मैं इधर बाहर आ चुका हूँ फिर से एक बार। तो अभी भाई इधर दो लोग क्या फाइट करेंगे क्या भाई? जो तो ये लोग कुछ कोर है, ए वेरी हॉट पंच। और वही लगता है हमको वही अटैक सिखाएंगे भाई, सुपर पावरफुल। कैन आई शो इट टू? भाई सुपर पावरफुल अटैक लग रहा है। चलो आप हमारे म्यू या फिर पिकाचू को सिखा सकते हैं। चलो मैं ना इधर पिकाचू को सिखा देता हूँ, बिकॉज पिकाचू के पास कुछ ज़्यादा खाला इलेक्ट्रिक मूव भी नहीं है। चलो मैं इधर पिकाचू को सिखा देता हूँ, या जो भी ये पता नहीं कौन सा मूव है सुपर पावरफुल। अच्छा फायर पंच है, चलो मैं ना क्विक अटैक हटा देता हूँ और इधर इसको फायर पंच सिखा देता हूँ। भाई बहुत पावरफुल अटैक लग रहा है मेरे को भी। और इधर पिकाचू ने सीख लिया है क्विक मतलब फायर पंच। चलो भाई पिकाचू ने फायर पंच सीख लिया है और आई थिंक दूसरा वाला बंदा भी कुछ सिखाएगा भाई। अरे भाई तुम भी कुछ सिखा रहे हो क्या? अरे हाँ भाई मैं भी सिखा रहा हूँ आइस पंच। तो भाई ये तो हमको आइस पंच सिखा रहा है, तो ये हम सिखाएंगे हमारे म्यू को। और डीजल को भी सिखा सकते हैं क्या? लेकिन नहीं मेरे को म्यू को सिखाना है, सिर्फ डीजल को भी सिखा सकते हैं लेकिन म्यू भाई चलो म्यू को ही सिखा देते हैं। चलो म्यू को अभी हम सिखाएंगे आइस पंच। तो इधर ये हमको, चलो अभी हम सिखाएंगे म्यू को आइस पंच। अरे यार जल्दी कर रहे भाई। तो इधर मैं इधर पहले वाला मूव को ही हटा देता हूँ, बिकॉज ट्रांसफॉर्म में अगर मैं हटा दिया तो भाई म्यू काहे क्या म्यू भाई जो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इधर ये मेट्रो नेम है जो भी ये अटैक है भाई इसको हटा देता हूँ। और फाइनली म्यू ने सीख लिया है मतलब आइस पंच। तो भाई अभी भाई बहुत देर हो चुका है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और अभी बस मेरे को जाना है शहर के अंदर। इधर हमको TM05 मिला है। चलो अभी भाई आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है गाइस। तो भाई अभी हम जाएंगे सिटी के अंदर, मतलब जो भी सिटी है इसका नाम। तो मैं अभी सिटी के अंदर जाऊँगा, पोकेमॉन सेंटर में जाऊँगा। तो भाई इधर पोकेमॉन्स है, चलो इधर देखते हैं क्या क्या पोकेमॉन है। इधर स्पाइडर भी है लेकिन मैं स्पाइडर को बाद में बकूँगा, यार तो मैं इसको बकूंगा भाई। ये जो भाई मतलब हरा वाला पोकेमॉन है भाई, कोई नया मतलब कोई नया पोकेमॉन है, मैंने देखा नहीं क्या? अरे यार ये तो राल्ट या जो भी इसका नाम था भाई ये निकला, मैंने तो इसको और पोकेमॉन समझा था। तो अभी हम इसको पकड़ेंगे और आज की वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है भाई। आज बस हम इसको पकड़ेंगे और वीडियो इन खत्म भाई, टाटा। तो गाइस आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ वीडियो को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ हमारे भाई मतलब सब्सक्राइब करना तो भूल ही ना नहीं। तो भाई अभी इसको भाई जल्दी से हम पकड़ेंगे फिर टाटा भाई। अरे यार आ जाना भाई, इसको मैं पोकेबॉल से पकड़ेगा तारा भाई, एक ही पोकेबॉल था वैसे तो। तो भाई इसको मैंने पकड़ लिया और अभी वीडियो